जी, अब हमारे पास जो पहला काम है वो सबसे पहले ये है कि हमने क्या करना है, लिंक लिस्ट का कोड कॉपी पेस्ट करना है। चलिए जी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी ये कर लेते हैं, और ये जो सिंगल लिंक लिस्ट का कोड है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अच्छा जी, हमारा स्टेप वन हो चुका है और अब हम शुरू में आते हैं। अब हमारे पास क्या है कि हमने क्लास बनानी है, किस किस टैग की, और उसको इनहेरिट करवा देना है सिंगल लिंक लिस्ट से। चलिए जी, बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक क्लास बना ली स्टैक की, और हम इसको पब्लिकली इनहेरिट करवा लेते हैं किससे, सिंगली लिंक लिस्ट से। अब ये जो है ये हो गया हमारे पास स्टेप 2, सॉरी स्टेप 2 हो गया। अब हमने क्या करना है, बल्कि पब्लिक के बजाय प्राइवेट करवानी चाहिए, क्योंकि हम जो स्पेसिफिक फंक्शन उसको यूज़ करना चाहते हैं सिर्फ कोई एक्सेस करें। चले, अब हम क्या करते हैं, हमने क्रिएट कर लिया एक नया फंक्शन पुश के नाम से, और उसके अंदर हमने एड ऑन हेड को कॉल कर देना। ठीक है, तो अब हम पब्लिक में आ जाते हैं, और हमने वॉइड पुश वाला फंक्शन एंड डेटा आ गया ये बना लिया, और यहाँ पे हमने एड ऑन हेड जो है उसको कॉल किया और उसमें डेटा भेज दिया। तो ये था हमारे पास स्टेप 3, और ये है स्टेप 3.1। हम चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है क्रिएट न्यू फंक्शन नेम पॉप एंड रिमूव फ्रॉम हेड जो है उसमें हमने इसको कॉल कर देना है। ओके, इंट पॉप आ गया, और यहाँ पे हमने रिटर्न करवा दिया रिमूव फ्रॉम हेड। तो ये था हमारे पास स्टेप 4, और ये है स्टेप 4.1। चलें जी, अगला स्टेप देखते हैं। स्टेप 5 जो है वो कहता है हमारे पास प्रिंट स्टैक का फंक्शन बनाना है, और उसके अंदर हमें प्रिंट लिस्ट कॉल कर देनी है। वॉइड प्रिंट स्टैक, और हमने यहाँ पे प्रिंट लिस्ट वाला जो फंक्शन था लिंक लिस्ट वाला वो कॉल हो जाएगा। स्टेप 5 एंड स्टेप 5.1। अब मेन के अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टैक का जी, फिर हम पुश करवाते हैं स्टैक के अंदर वैल्यू 26। फिर हमने पुश करवा दी वैल्यू 4, फिर हमने पुश करवा दी वैल्यू 13। अब हमने क्या करना है, डॉट प्रिंट लिस्ट आ गया, प्रिंट स्टैक सॉरी, और उसके बाद हैंडल आ गया। हैंडल के बाद हमने ऑब्जेक्ट स्टैक डॉट पॉप कर दिया, फिर हमने लाइन पॉइंट कर दिया, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट स्टैक डॉट प्रिंट स्टैक आ गया। चलिए उसको चला के देखते हैं। यहाँ पे आके हमने पेस्ट किया, इसको रन करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा कंपाइल करने में। ये देखिए जी, तो ये था हमारा स्टैक, इसमें हमारे पास टॉप पे 13 पड़ा हुआ है, उसके बाद 4 पड़ा हुआ है, और 26 पड़ा हुआ है। जब हमने पॉप किया तो
टॉप वाला 13 जो है वो पॉप हो गया और हमारे पास स्टैक के अंदर क्या रह गया 4 और 26 रह गया।